तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो न्यूज़ चैनल में जर्नलिस्ट के पीछे एनिमेटेड बैकग्राउंड होते हैं उनके आगे बैठकर या फिर खड़े होकर वीडियो शूट करते हैं? या बात करें यूट्यूबर्स की, क्या इनके पीछे बैकग्राउंड रियल होते हैं? तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है, यह जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। चलो भाई देखो अपने क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर शूट चाहे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर या मूवी की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन के आगे होते हैं। ग्रीन कलर ही क्यों? ग्रीन कलर का क्या यूज़? ग्रीन कलर का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि यह कलर ह्यूमन स्किन से टोटली डिफरेंट है, इजीली डिफरेंशिएबल है, समझ रहे हो ना? मतलब कि जो करेक्टर का कलर है और जो बैकग्राउंड का कलर है कुल टोटली डिफरेंट, तो उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। मतलब कि जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जैसा हम चाहें उस बैकग्राउंड से। अक्सर ग्रीन स्क्रीन का यूज़ बैकग्राउंड को चेंज करने के मकसद से ही किया जाता है। तो फिर आप कहोगे हल्क जैसे करेक्टर या फिर अगर किसी करेक्टर ने ग्रीन कपड़े पहने हो तब क्या? अगर ग्रीन कलर के कपड़े पहने तो मतलब ग्रीन स्क्रीन तो रख ही नहीं सकते, डिफरेंशिएट हो ही नहीं पाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो ही नहीं पाएगा। इसका सीधा सा जवाब है, आप दूसरी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो इसके लिए आप चाहे ब्लू यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर ब्लू और ब्लैक स्क्रीन का यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ग्रीन कलर का भी तो यूज़ सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए ही तो है ना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टेक केयर। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।